वहीं मौके पर मौजूद डीएसपी विधि व्यवस्था संजय कुमार ने स्थिति को सामान्य बताया। मौके पर मौजूद डीसीएलआर डीएसपी से बात की जी मीडिया संवाददाता संजय ने। राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कवायद जो है वो सुबह से ही शुरू हो गई थी। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो लोग रह रहे थे उन सभी लोगों को यहाँ से हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुँची और तमाम लोग अब अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए यहाँ से अब निकल पड़े हैं। और ये दूसरी तस्वीर जहाँ पर जेसीबी जो है लगातार यहाँ पर काम करके यहाँ समान जितने भी अतिक्रमण जो अवैध मकान बने हुए थे उसे तोड़ने के लिए जेसीबी की मशीन जो है वो लगी हुई है। कोई भी जमीन जो अतिक्रमण किए हुए थे उनकी अपनी जमीन नहीं थी, ये पूरी तरीके से अवैध थी, इसकी डीएम ने भी पुष्टि कर दिया है। और हमारे साथ यहाँ खुद पदाधिकारी मौजूद हैं, डीएसपी हैं यहाँ पे संजय कुमार जी, उनसे बात करेंगे। सर क्या स्थिति है अभी और कितने जो है मकानों को तोड़ा गया है अब तक? कितने मकानों को तोड़ा गया ये तो अभी काउंट करके ही बताना होगा। लगातार चल रहा है जो भी क्षेत्र में चिन्हित क्षेत्र में जो मकान है। तो अभी क्या है स्थिति? पीसफुल है। कई घायल भी हुए लोग? हाँ, वो घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है, मामूली रूप से घायल थे। लेकिन सर हमारे साथ डीसीएलआर साहब भी हैं। सर क्या स्थिति है अभी? अभी जो यहाँ पे हंगामा की बात सामने आई है उसमें कई लोग घायल हुए? नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके लिए कितने चिन्हित किए गए थे, कितने एकड़ जमीन को आप लोगों को अधिग्रहण करना है? 40 एकड़ जमीन है जी। तो क्या वो हो गया अधिग्रहण? अधिग्रहण के अधिग्रहण पहले ऑलरेडी हो चुका है, ये तो आवास बोर्ड की अर्जित संपत्ति है। तकरीबन 200 से अधिक महिला और पुरुष वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसमें सभी लोगों को चिन्हित किया गया और चिन्हित करके इसमें तकरीबन 38 लोगों को नामजद जो है यहाँ पे मामला दर्ज किया गया है। और उसमें आज जो पत्थरबाजी की गई है उसमें तकरीबन 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सहयोगी अभिषेक के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल है पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं, सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है। जबकि हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं कि ये इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती, और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना, आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो लोग रह रहे हैं उसके लिए कम से कम रहम तो कीजिए। हम लोगों ने किसका दरवाजा नहीं खटखटाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा मिलने के लिए, हमारे सारे लोगों ने, वहां से समय नहीं दिया गया, हम लोगों के साथ जबरदस्ती किया गया। उसके बाद हम लोग जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री के साथ गए, वहां जाकर के हम लोगों ने उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम मकान नहीं तोड़ने जा रहे हैं। हम लोग फिर आए, बहुत थोड़ा सा खुशी महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, 4 दिन रहे। उसके बाद फिर आज आपके सामने जो नजारा है, उन्होंने कहा कि मकान नहीं तोड़ने देंगे, देख लीजिए मकान का।